वाटर लेवल कंट्रोलर को समर्सिबल पैनल से जोड़ने के लिए तीन कनेक्शंस की ज़रूरत है। सबसे पहले पावर कॉर्ड को 220 वोल्ट एसी में लगा दीजिए। जो दो पतली वायर्स आ रही हैं इनको फ्लोट सेंसर से जोड़ के फ्लोट सेंसर को वाटर टैंक में डाल दीजिए। और जो दो थिक वायर्स हैं, मोटी वायर्स, इनमें इनको आप किसी भी दो वायर से एक्सटेंड कर लीजिए, लंबा कर लीजिए। और जो आपके समर्सिबल पैनल का ऑफ बटन है, मतलब जो रेड बटन है जिससे आप समर्सिबल पैनल ऑफ करते हैं, उस बटन का कोई भी एक वायर आप, सिंगल वायर आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए, निकाल लीजिए। और ये जो दो वायर आपने एक्सटेंड की हैं, इनमें से किसी भी एक वायर के साथ आप इस बटन को, इस वायर को जोड़ दीजिए। और जो दूसरी वायर आपके पास बची है, उस वायर को आप जहां से आपने वायर निकाली थी, डिस्कनेक्ट की थी, उस जगह पर आप स्क्रू इन कर दीजिए। ये आपके कनेक्शंस कंप्लीट हो गए। अब अपने पंप को ऑन करने के लिए पहले कंट्रोलर का पुश टू ऑन, पंप ऑन बटन को प्रेस कीजिए। उसके बाद में जो आपका पैनल है, उस पैनल का ग्रीन बटन, जो पंप ऑन बटन है, उसको दबाइए और आपका पंप ऑन हो जाएगा। और जैसे ही टैंक फिल होगा, ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। धन्यवाद।